ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड अत्यंत महत्वपूर्ण एवं रोचक है। आज के एपिसोड में मैं तुलसी के वृक्ष की संपूर्ण धार्मिक जानकारी देने जा रहा हूँ। तुलसी के धार्मिक महत्व के साथ साथ इसे तोड़ने के नियम भी बताऊंगा। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे नए एपिसोड की पहली सूचना आप तक पहुंच सके। आइए जानते हैं तुलसी के पौधे के धार्मिक महत्व के बारे में और साथ ही जानेंगे तुलसी के पौधे को तोड़ने के नियम। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज न जानिए ये तीनों नंद किशोर। अर्थात तुलसी को कभी पेड़ न समझें, गाय को पशु समझने की गलती ना करें और गुरु को कोई साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये तीनों ही साक्षात भगवान रूप हैं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं। भारतीय संस्कृति के चिर पुरातन ग्रंथ वेदों में भी तुलसी के गुणों एवं इसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। तुलसी माला 108 गुरियों की होती है। एक गुरिया अतिरिक्त माला के जोड़ पर होती है, इसे गुरु की गुरिया कहते हैं। तुलसी माला धारण करने से हृदय को शांति मिलती है। आइए जानते हैं तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने का नियम। तुलसी जी को नाखूनों से कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सायंकाल के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उनके घर सुख शांति एवं समृद्धि का वास रहता है। द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। सायंकाल के बाद तुलसी जी लीला करने जाती हैं। तुलसी जी वृक्ष नहीं हैं, साक्षात राधा जी का स्वरूप हैं। तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी के पौधे का महत्व धर्मशास्त्रों में भी बखूबी बताया गया है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं होता। तुलसी की प्रतिदिन का पूजा करना और पौधे में जल अर्पित करना हमारी प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा होती है वहां सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर की कलह और अशांति दूर हो जाती है। घर परिवार पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पत्तों के सेवन से भी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायण व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करना तीर्थों में स्नान कर पवित्र होने जैसा है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु का भोग तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। कार्तिक महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजन और उसके पत्तों को तोड़ने के लिए नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। तुलसी के पौधे के पूजन का क्या नियम है, अब आइए हम यह जानते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के आंगन में लगाना चाहिए। रोज सुबह स्नान करने के पश्चात तुलसी के पौधे में जल दें और उसकी परिक्रमा करें। सायंकाल में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं, यह अत्यंत शुभ होता है।
भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। आप कभी भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन कार्तिक माह में तुलसी लगाना सबसे उत्तम माना गया है। तुलसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर पूरी तरह से स्वच्छता हो। तुलसी के पौधे को कांटेदार पौधों के साथ न रखें। तुलसी की पत्तियां तोड़ने के भी कुछ विशेष नियम हैं। तुलसी की पत्तियों को सदैव सुबह के समय तोड़ना चाहिए। अगर आपको तुलसी का उपयोग करना है तो सुबह के समय ही पत्ती तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। बिना जरूरत के तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, यह उसका अपमान होता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ते समय स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को कभी गंदे हाथों से न छुएं। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। रविवार, चंद्र ग्रहण और एकादशी के दिन भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको भी तुलसी के धार्मिक महत्व की कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तुगुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।